NCERT क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर सिक्सटींथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दैनिक जीवन में रसायन इसकी हम दो क्लास पढ़ चुके हैं हमने पहली वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री और उसके कंपाउंड्स की कितने अधिक एप्लीकेशंस हैं बहुत अधिक अनुप्रयोग है सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी हम काम में लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे केमिस्ट्री और उसके कंपाउंड्स होते हैं इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन सीखा था कि मेडिसिन का या ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है उन आधारों को हमने सीखा था फिर हमने सीखा था कि एंजाइम्स कैसे कार्य करते हैं हमने सीखा था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग्स क्या होती हैं उनको हमने विस्तार से जाना था फिर हमने इसके बाद बात की थी रिसेप्टर्स की इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पर आए थे दोबारा से जिसमें हमने सबसे पहले एंटासिड की बात की थी कि एंटासिड कैसे होते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं और हमने हिस्टामस की बात की थी ये हमने पहली वाली क्लास में देखा था सेकंड क्लास में जो हमने बात की वो तंत्र की औषधियों के बारे में बात की हमने नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स की बात की थी इसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स की बात की थी एंटीबायोटिक्स में हमने ये देखा था कि दो प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक कहलाती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसकी हमने डिटेल में बात की थी और फिर हमने एंटीसेप्टिक्स और डिसइनफेक्टेंट इसकी हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे इसके अलावा हम बात करेंगे कि फूड केमिकल्स की बात करेंगे या भोज्य पदार्थों में रसायन की बात करेंगे और हम बात करेंगे साबुन और डिटर्जेंट्स के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में समझने की कोशिश करें पिछली क्लास में हमने क्या कहा था हमने ये सीखा था कि जब से एंटीबायोटिक्स ड्रग्स या तो एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल या एंटी वायरल इस प्रकार की ड्रग्स जब से बनने लगी तो जो वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता था और जो अंत में मृत्यु का कारक बनता था वो काफ़ी हद तक कम हो गया उससे हमारी एवरेज लाइफ काफ़ी बढ़ गई जो हमारी एवरेज लाइफ है वो काफी अधिक बढ़ गई जीवन हमारा काफी सुदृढ़ हो गया क्यों क्योंकि विभिन्न प्रकार की इन बीमारियों के खिलाफ हमारे पास दवाइया तैयार हो गई लेकिन इससे इससे एक और समस्या आई कि इससे जो जनसंख्या थी वो काफी अधिक बढ़ने लगी अब इस जनसंख्या पर जो बढ़ गई उसको भी कंट्रोल करना जरूरी था इस जनसंख्या को इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बनाई गई आप बात समझने कहने की ये इस प्रकार जब जनसंख्या बहुत अधिक हो गई पॉपुलेशन वर्ल्ड की बहुत ज्यादा बढ़ गई, उस समय आवश्यकता हुई एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बनाने की तो इस क्लास में सबसे पहले हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम भोज्य पदार्थों में रसायन और साबुन और डिटर्जेंट की बात करेंगे प्रतिजनन क्षमता औषध एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स प्रतिजनन क्षमता औषध परिवार नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं जनन नियंत्रण गोलियों में आवश्यक रूप से संश्लिस्ट एस्ट्रोजन तथा का मिश्रण होता है दोनों ही यौगिक हार्मोन्स होते हैं और पोजेस्टर दोनों ही हार्मोन्स हैं इनकी सिंथेटिस रूप में बनाए गए कुछ डेरिवेटिव्स जो कैसा काम करते हैं वो जनन नियंत्रण गोलियों के रूप में काम में आते हैं या एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन बनाने में काम में लेते हैं या वोल्यूशन को रोकता है संश्लित या सिंथेटिक व्युत्पन्न प्राकृतिक से अधिक प्रभावशाली होते हैं जो सिंथेटिक सिंथेटिकोजेस्ट्रॉन बनाए जाते हैं और जो हमारे शरीर में नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन है उनसे अधिक प्रभावशाली है नॉर एथेड्रॉन सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन का एक उदाहरण है नॉर एथिन संश्लेषित या संश्लिष्ट प्रोजेस्ट्रॉन का उदाहरण है एक्स्ट्राड्राइल एक एजेस्ट्रॉन का व्युत्पन्न है जो प्रोजेस्ट व्युत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त तो होता है जो पहला आपको दिखाई दे रहा है और ये सेकंड वाला है वो वह हैल का भोजन में रसायन जैसा कि हमने पहले बात की खाद्य पदार्थों में बहुत सारे प्रकार के रसायन मिलाए जाते हैं क्यों मिलाए जाते हैं उसका कारण एक तो उनका परिरक्षण बढ़ाना यानी कि उनकी जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाना उसको प्रिजर्व करना वो अधिक समय तक स्थायी बना रहे उसके लिए कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं तो उनका क्या होगा परिरक्षण बढ़ाने में काम में लेते हैं आकर्षण बढ़ाने के लिए वो देखने में अच्छे दिखें उसके लिए बहुत सारे प्रकार के कलर्स मिलाए जाते हैं तीसरा क्या गुणवत्ता पौष्टिक गुणवत्ता में संवर्धन करना उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे रसायन भोज्य पदार्थों में मिलाए जाते निम्नलिखित वर्ग है या तो ये क्या होते हैं ये फूड डाइज होते हैं ये खाद्य रंजक है ये सुरुचिकर है जिससे कि भोजन में टेस्ट बढ़ता है मधुरक या स्वीटनर है परिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स है वसा इमल्सीकारक अथवा स्टाई कारक है ये स्टेबलाइजेशन एजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं ये आइसक्रीम वगैरह में काम में लेते हैं इनको आटा सुधारक और एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए मिनरल्स विटामिन और अमीनो अम्ल काम में लेते हैं कृत्रिम मधुरक प्राकृत मधुरक जैसे सुक्रोस ग्रहण की गई कैलोरी को बढ़ाते अब देखो ये ये नेचुरल स्वीटनर है सुक्रोश गन्ने से मिलता है हम मालूम है चुकंदर से मिलता है तो ये गन्ने या चुकंदर से जो सुक्रोस मिल रहा है जिसको हम शक्कर भी बोलते हैं ये क्या करते हैं हमारे शरीर में कैलोरी बढ़ाते हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में यदि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उनके लिए हानिकारक है तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल स्वीटनर काम में लेते हैं नेचुरल स्वीटनर काम में नहीं लेते तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की विशेषता ये होती है कि हमारे शरीर में हमारी बॉडी में ये एब्जर्व नहीं होते और ये यूरिन के थ्रू ऐसे के ऐसे बाहर निकल जाते हैं बिना परिवर्तित हुए तो सुक्रोस हमारी शरीर में कैलोरी बढ़ा रहा है ये कैलोरी भी नहीं बढ़ाएंगे कैलोरी का मान भी इनका बहुत कम होगा और ये हमारी बॉडी में अब्जर्व भी नहीं होंगे लेकिन इनकी जो स्वीटनिंग एजेंट है ये, ये या इनकी जो जो मीठापन है वो सुक्रोस की तुलना में बहुत अधिक होता है तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइट जिसे सैक्रीन कहते हैं वो क्या है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है यह शुक्रो से 550 गुना अधिक मीठी होती है यह शरीर में अपरिवर्तित रूप से मूत्र के के साथ उत्सर्जित हो जाती है यह सेवन के पश्चात अक्रिय और हानिकारक प्रतीत होती है इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों यानी कि डायबिटिक पेशेंट तथा उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण नियंत्रण आवश्यक होता है अब यह फॉर्मूलाय को ध्यान से देख लें एस्पार्टेम एस्पार्टेम भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर है यह दो

सुक्रालोस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये सुक्रालोस 600 गुना अधिक मीठी है और यदि हम एलिटेम की बात करें तो ये सुक्रोस की तुलना में दो गुना अधिक मीठा होता है तो इनकी जो स्वीटनिंग वैल्यू है वो तो बहुत अधिक है शरीर में ये काम में आते नहीं है मतलब ये क्या है केवल टेस्ट बढ़ाने के लिए इनका एब्जॉर्बेशन नहीं होता लेकिन इनको भी सीमित मात्रा में काम में लेना है क्यों क्योंकि ये कैंसरस का कारण बनते हैं एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है यह सुक्रोज की तुलना में सौ गुना अधिक मीठा होता है यह एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलिन से बनकर डाइपेप्टाइड का मिथाइल स्टर बनता है इसका उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और ठंडे पेय पदार्थों में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में किया जाता है अधिक तापमान पर यह अस्थायी हो जाता है एलिटेम सबसे प्रबल मधुरक है यद्यपि यह एस्पार्टेम से अधिक स्थायी होता है परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है सुक्रालोस की बात की यह ट्राइक्लोरोपन्न है इसका रंग रूप स्वाद शर्करा जैसा यानी सुक्रोज जैसा होता है यह अधिक तापमान पर स्थायी होता है इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है खाद्य परिरक्षक ये दूसरे प्रकार के फूड प्रिजर्वेटिव भोजन की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम काम में लेते हैं खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षक काम में लिए जाते हैं खाने का नमक शक्कर वनस्पति तेल और सोडियम बेंजोइट ये सब क्या है फूड प्रिजर्वेटिव या खाद्य परिरक्षक है सोडियम बेंजोइट का सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है यह शरीर में उपापचयित हो जाता है सार्विक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल के लवण भी परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में आते हैं तो ये हमने पढ़ा फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में अभी तक हमने दो प्रकार के उपयोग पढ़े एक हमने पढ़ा कि हमारे शरीर के लिए मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है वो किस प्रकार से केमिस्ट्री की देन है उसके कंपाउंड काम में आते हैं और दूसरा हमने बात की फूड एडिटिव्स की या फूड प्रिजर्वेटिव की या आर्टिफिशियल स्वीटनर की या भोज्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले रसायन की अब जो तीसरा भाग हमें पढ़ना है वो है हमारे पास में सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ना है और सोप के बारे में पढ़ना है देखो हमारे लिए सोप और डिटर्जेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है हाने से लेकर किसी सतह को साफ करना कपड़े साफ करना इन सब में सोप और डिटर्जेंट दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सोप आप ये जानते हैं सोप कैसे बनाते हैं ये तेल से उसमें कास्टिक सोडा मिलाते हैं या सोप बनाने की विधि आपने पढ़ी होगी साबुन को कैसे बनाया जाता है आप कोई भी खाद्य तेल ले लीजिए उस तेल में सोडा मिला दीजिए और उसको गर्म करें और लगातार हिलाते रहें जब तो गर्म करके लगातार हिलाते रहते हैं तो उससे क्या बन जाता है साबुन बन जाता है और साबुन हल्का होने के कारण से ऊपर आ जाता है और नीचे जो भाग बच जाता है वो स्पेंटेलाई कहलाता है समझे तेल लें कोई भी खाद्य तेल ले लिया जो जनरली तेल क्या होते हैं ये ये होते हैं तेल क्या है, है। यानी कि ये एस्टर्स है। एस्टर्स ग्लिसरॉल के अब इनमें क्या करते हैं हम हम इसमें सोडा मिलाते हैं सोडा मिलाने से क्या बन गया साबुन अब ये ट्राई एस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं या तो ये ऑलिक एसिड से बने एस्टर हो सकते हैं ऑलिक एस्टर्स हो सकते हैं या ये एस्टरी के एस्टर्स हो सकते हैं या फिर ये पामिटिक एस्टर्स हो सकते हैं या ऑयल या फैट को जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सोप मिल जाएगा ये जो सोप हमें मिल गया इसके बाद जो बच गया जो कुछ भी वो स्पेंट लाइक कहलाता है तो सोप के अलावा सोप में तो हम क्या करते हैं फिर सोडियम क्लोराइड डालते हैं NaCl तो NaCl डाल देने की वजह से इसको हम कहते हैं ये सॉल्ट ऐड कर देते हैं एडिंग ऑफ सॉल्ट कहलाता है और जब हम ये सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो सोप स्प्रिट आउट हो जाता है अवक्षेपित हो जाता है और जो बच गया वो स्प्रिंट लाई है और स्प्रिंट लाई में से हम ग्लेस्ट्रॉल को निकाल लेते हैं यहाँ जो महत्वपूर्ण बात समझने की है वो ये कि जो सोप होना चाहिए उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या C8 से C18 के बीच होनी चाहिए यानी कि आठ कार्बन से अट्ठारह कार्बन इससे ज्यादा का होना नहीं चाहिए यदि अट्ठारह कार्बन से ज्यादा वाला हम साबुन बनाएंगे तो वह इंसॉलेबल होगा वो गुलेगा ही नहीं पानी में ठीक है बात समझ में आ गई और यदि आठ कार्बन से कम वाला बनाएंगे तो वो मिशेल फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि सफाई करने के लिए क्लिंजिंग एक्शन के लिए मिशेल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है जब तक मिशेल नहीं बनेगा तब तक वो सफाई क्रिया हो नहीं सकती में क्वेश्चन आता है कि सी एट से सी एटीन तक के ही क्यों एस्टर्स सोडियम के एस्टर्स काम में आते हैं साबुन की तरह से क्योंकि सी एट से कम वाला मिसाइल फॉर्मेशन नहीं करेगा जब मिसाइल फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो साबुन की तरह से सफाई क्रिया नहीं करेगा और C18 से ज्यादा वाला इंसॉलेबल रहेगा इसीलिए साबुन जो होते हैं C8 से C18 होते हैं तो तेल में सोडा मिला दीजिए बन जाएगा साबुन जो बच गया स्पेंट लाइफ उससे हम ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन कर लेंगे जब डिटर्जेंट की बात करते हैं ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की हम बात करते हैं तो ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये तीन प्रकार के होते हैं एक होता है कैटाइनिक एक होता है नॉन आइनिक तो ये डिटर्जेंट है डिटर्जेंट सोप नहीं है ये आता है एग्जाम में सोप नहीं है लेकिन सोप की तरह से काम करते हैं इसीलिए इनको सोपलेस सोप भी कहते हैं साबुन रहित साबुन साबुन तो नहीं है लेकिन साबुन की तरह से ये काम करेंगे तो इनको सोप भी कहते हैं साबुन और डिटर्जेंट में मुख्य अंतर क्या ये समझ लें यहाँ पर पहले फिर आगे बात करेंगे साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है डिटर्जेंट चाहे कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो दोनों के साथ झाग देता है तो इसीलिए आजकल डिटर्जेंट ज़्यादा काम में लेने लग गए हैं क्यों क्योंकि डिटर्जेंट हर प्रकार के जल में उपयोगी है साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता इस कारण से वो सफाई क्रिया नहीं कर पाता है अब हम डिटेल में पढ़ते हैं साबुन और डिटर्जेंट को या शोधन अभिकर्मक को शोधन अभिकर्मक दो प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिकर्मक की तरह प्रयुक्त होते हैं यह साबुन और संश्लेषित अपमार्जक या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं यह जल के शोधन गुण को बढ़ाते हैं यह वसा के निष्काशन में सहायता करते हैं जो कि कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों से चिपकी रहती है साबुन बहुत पुराना अपमार्जक है सफाई के लिए प्रयोग में आने वाला साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक ओलिक अथवा पामिटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं जैसे, जैसे, था था तो जैसे तो तो कि हमने पहले चर्चा की थी कि या तो ये स्टेरिक एसिड या ओलिक एसिड या फिर पामिटिक एसिड से मिलकर बने होते हैं इनकी रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो उनके ये सॉल्ट बन जाते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स में जब रिएक्शन कराएंगे सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम स्टेरिएट अथवा पोटेशियम स्टेरिएट सोडियम ओलिएट पोटेशियम ओलिएट अथवा सोडियम पामिटेट और

पदार्थ होता है वो क्या होता है ग्लिसरॉल पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है सेपोनिफिकेशन या कहलाती है तो इस इस अभिक्रिया अभिक्रिया को आप याद कर लीजिए में वसा अम्ल की एस्टर अपघटित हो जाती है और प्राप्त हुआ साबुन कोलाइडी अवस्था में रहता है इस विलियन में सोडियम क्लोराइड डालते हैं और साबुन को अवक्षेपित कर लेते हैं साबुन के प्रकार साबुन वसा अथवा तेल को उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाते हैं जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी तेल अथवा वसा को एक बड़े पात्र में ले लेते हैं उसमें क्या करते हैं हम कोई भी सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं उसको उबालते हैं साबुन बन जाता है अब ये जो साबुन है इसका यदि हम लें पोटेशियम सॉल्ट हम इसमें क्या करें पोटेशियम सॉल्ट लें और उसके साथ उसमें जो अधिक क्षार मिलाया गया है सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको बाहर निकालें एक सीमित मात्रा में ही कैलकुलेटेड अमाउंट में ही रहने दें तो वो साबुन नहाने के काम में आता है इस नहाने के साबुन में इसको आकर्षक बनाने के लिए उसमें अलग अलग कलर के कलर मिलाए जाते हैं इसमें रंग मिलाए जाते हैं और साथ में सुगंध या परफ्यूम्स डाले जाते हैं पानी में तैरने वाले साबुन बनाने के लिए उन्हें कड़ा होने तक पहले उसमें वायु के छोटे छोटे बुलबुले विस्पंदित किए जाते हैं ट्रांसपेरेंट सोप आपने देखा होगा आते हैं तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इसमें इथेनॉल मिलाते हैं और फिर विलायक के आधिक्य में इनको वाष्पित करके बनाया जाता है

झामक चूड़ बारीक रेत अथवा सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं या ट्राई सोडियम फॉस्फेट जैसे बिल्डर मिला लेते हैं ये बिल्डर क्या करते हैं साबुन को गलने से बचाते हैं और साबुन की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं कठोर जल के साथ साबुन काम क्यों नहीं करते जब हमने शुरू में चर्चा की थी हमने कहा था कि ये साबुन कठोर जल के साथ काम नहीं करते हैं डिटर्जेंट कठोर अथवा मृदु दोनों जल के साथ काम करते हैं अब है क्या इसको समझने की कोशिश करो जो हार्ड वाटर है या कठोर जल में उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं कठोर जल में या हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं अब है क्या कि जब इनमें साबुन मिलाएंगे साबुन क्या सोडियम स्टीरिएट सोडियम पोमिटेट ये मिलाएंगे या पोटेशियम मिलाएंगे तो क्या करेगा वो रिप्लेस कर देगा और कैल्शियम स्टीरिएट या मैग्नीशियम स्टीरिएट या कैल्शियम पॉमिटेट या मैग्नीशियम पोमिटेट बन जाएगा सोडियम अब अठवा पोटेशियम की जगह क्या आ गया कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गया अब वो इस्कम के रूप में एक मलफेन के रूप में उस पदार्थ पर जम जाएगा बात समझने की फिर कोशिश करो हमारे पास कोई भी कपड़े की सतह है उसको हमें साफ़ करना है उस पर कोई ग्रीस चिकनाई गंदगी वगैरह लगी हुई है अब हमारे पास पानी कौन सा है जिसमें कठोर जल है उसमें क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम है साबुन लगाया झाग नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे क्योंकि साबुन में जो सोडियम पोटेशियम था वो तो चला गया पानी में जल में और जल का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम थे वो साबुन के साथ चिपक गए और ये अघुलनशील पर कपड़े पर चिपक जाते हैं वो साफ नहीं हो पाता कब तक जब तक जब कि सारे साबुन में जितने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक साबुन क्लिनजिंग एक्शन या सफाई क्रिया नहीं करेगा तो साबुन कठोर जल के साथ इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वहां पर स्कम फॉर्मेशन हो जाता है यह अघुलनशील साबुन मलफेन की तरह सा, पानी से अलग हो जाता है जो शोधन अभिकर्मक के कार्य को बेकार कर देता है देखा जैसे मानो सोडियम स्टीरियट है सी सेवेंटीन एस थर्टी फाइव सी डबल ओ एन ए कैल्शियम क्लोराइड जैसे मैंने कहा कि कठोर जल में कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम स्टीरिएट बन जाएगा ये कैल्शियम स्टीरिएट इनसॉलेबल है ये उस कपड़े की सतह पर या उस उस, उस, उस फर्श की सतह पर चिपक जाएगा और ये सोडियम कहाँ चला गया पानी में चला गया तो अब ये जो बना ये जो अगुलनशील वो उसको क्या करेगा वो उसको सफाई क्रिया होने से रोकेगा इसलिए साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता तो इसको रोकने के कारण से ये सफाई क्रिया नहीं कर पाएगा और उस पर एक मलफेन की तरह से जम जाएगा तो डिटर्जेंट केवल काम करते हैं ऐसे केस में जब कठोर जल होता है वास्तव में अच्छी धुलाई में रुकावट डालते हैं क्योंकि ये अवक्षेप कपड़ों के ऊपर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट संस्कृत अपमार्जक शोधन अभिकर्मक है जिसमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु ये वास्तव में साबुन नहीं होते जैसे हमने पहले समझा था कि सोप लेस सोप है ये मृदु तथा कठोर जल दोनों में काम में लेते हैं और यह कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एनाइनिक भी होते हैं कैटाइनिक भी होते हैं और नॉन एनिक भी होते हैं एनाइनिक डिटर्जेंट्स अब एनाइनिक डिटर्जेंट्स क्या है देखो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का जो इनका अंतिम सिरा है वो एनाइनिक होगा और उनसे सोडियम अथवा पोटेशियम आयन जुड़े हुए होंगे तो रेणायनी अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटेड व्युत्पन्न होते हैं दीर्घ श्रृंखला वाली एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं जिन्हें क्षार से उदासीन करके रेनायनी अपमार्जक बनाते हैं इसी प्रकार एल्किल बेंजीन सल्फोनेट एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्लों को क्षार के साथ उदासीन करके बनाया जाता है रेनाइनी अपमार्जकों में अणु का रेणायनी भाग शोधन क्रिया में भाग लेता है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण ऋणायनी अपमार्जकों के महत्वपूर्ण वर्ग हैं इनका उपयोग दंत में होता है अब यहाँ समझे देखो लोराइल एल्कोहल इससे एस्टोसोफोर से रिएक्शन कराई लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट बना अब इसकी जगह हाइड्रोजन जगह क्या आ गया सोडियम तो लोराइल सोडियम लोराइल सल्फेट बन गया अब यहाँ समझे देखो ध्यान से ये कार्बन के बारह कार्बन एटम्स है CH3 एक दस ये और एक ये बारह ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो गई इसका अंतिम सिरा कैसा हो गया ऋणायनिक हो गया एनायनिक सिरा है। ये जो पूरा सिरा ये जो पूरी बनी हाइड्रोकार्बन है, श्रृंखला और एनायनिक सिरा ये कैसा काम करेगा क्लिनजिंग एक्शन की तरह से काम करेगा ये शोधन अभिक्रिया में भाग लेगा ये क्या बनाएगा ये मिसाइल फॉर्मेशन करेगा इसका अंतिम सिरा क्या है यहाँ पर यह सोडियम लगा हुआ है और सोडियम अथवा पोटेशियम कुछ भी हो सकता है इसमें इसका जो कॉमर्शियल नेम है वो है ड्रेफ्ट दूसरा डोडेसाइल बेंजीन इससे इसकी एस्टोसोबो से रिएक्शन कराओ डोडेसाइल बेंजिन सल्फोनिक एसिड एनयूएच के साथ रिएक्शन कराओ तो सोडियम डो डेसाइल बेंजिन सल्फोनेट बन गया अब ये जो सोडियम डो डेसाइल बेंजिन सल्फोनेट बना ये भी कैसा काम करेगा एनायनिक डिटर्जेंट की तरह से काम करेगा क्योंकि ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है इसका अंतिम सरण एनायनिक है और इस पर एन एज जुड़ा हुआ है यहाँ जो बात समझने की है वो क्या इसका जो कॉमर्शियल नेम है वो नैकनॉल है यहाँ समझने की बात यह यदि ये जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है यदि ये ब्रांचड नहीं है अशाखित है तब तो ये जीवाणुओं के द्वारा नष्ट हो जाएगी बात समझना ध्यान से तो इसका मतलब क्या होगा इसका बायोडिग्रेडेशन हो सकता है ऐसे डिटर्जेंट तो काम में लेने चाहिए यदि यहाँ पर यह जो लंबी श्रृंखला है इसमें इसमें क्या हो साथ साथ ब्रांचिंग भी हो शाखन भी हो तो जीवाणुओं के द्वारा इसका अपटन बहुत धीरे धीरे होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे डिटर्जेंट्स को कम काम में लेना चाहिए क्यों क्योंकि ये डिटर्जेंट जब इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा बैक्टीरिया के द्वारा तो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएंगे ये पानी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ये वाटर पॉल्यूशन का या जल प्रदूषण का कारण बनते हैं धनाइनी अपमार्जक अब आपको देखो बात समझ में आ गई होगी जैसे वहाँ पर अंतिम सेरा क्या था ऋणायनिक था तो ये अंतिम सेरा क्या होना चाहिए धनायनिक होना चाहिए धनयनी अपमार्जक अमीनों के एसीटेट क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड के बने क्वाटनरी सॉल्ट होते हैं इनमें धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तथा नाइट्रोजन पर एक धनावेश होता है इसी कारण से इन्हें कैटैनिक डिटर्जेंट या धनायनिक अपमार्जक कहते हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सेटिल ट्राई मेथिल एमोनियम ब्रोमाइड ये एक बड़ा मोस्ट पॉपुलर कैटैनिक डिटर्जेंट है एयर कंडीशन में डाला जाता है और इसमें जीवाणुनाशक गुण होते हैं आपको लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यहाँ दिखाई दे रही है और ये नाइट्रोजन है इस पर चार हो जाने के कारण से यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है नाइट्रोजन पर है तो सेटिल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक क्या है कैटाइनिक डिटर्जेंट है अनायनिक डिटर्जेंट इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है इसकी जो संरचना है इस पर कोई आयन नहीं होता एक ऐसा अपमार्जक है जो स्टेरिक अमला पॉलीथालीन ग्लाइकोल से मिलकर बना है स्टेरिक एसिड पॉलीथालीन ग्लाइकोल इससे क्या बन गया हमारे पास में नानयनिक डिटर्जेंट बर्तन धोने में काम आने वाला अपमार्जक अनायनिक डिटर्जेंट होता है इस प्रकार के अपमादकों की शोधन क्रियाविधि वही होती है जो साबुन की होती है और यह भी तेल के साथ मिलकर मिशेल बनाते हैं जो बाहर निकल जाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट के उपयोग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि जैसे पहले बात की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यदि ब्रांचड है शाखित है तो जीवाणुओं के द्वारा इनका डिग्रेडेशन आसानी से नहीं होता है तो ये क्या करते हैं ये तालाबों में नदी में पहुंच जाते हैं जिससे जल प्रदूषण का कारण बनते हैं इसीलिए आजकल जो डिटर्जेंट बनाने लगे हैं जिनका डिग्रेडेशन को, को आसानी से हो, आसानी हो जाता है और इसको जल प्रदूषण से रोका जा सकता है तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा हमने पहली क्लास में सीखा था कि रसायन का दैनिक जीवन में कितना उपयोग है हमने वहां पर ड्रग्स का यानी कि मेडिसिन का क्लासिफिकेशन किया था वर्गीकरण सीखा था हमने ये देखा था कि एंजाइम के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं हमने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग्स के बारे में बात की थी फिर हमने क्लासिफिकेशन किया हमने एंटासिड के बारे में जाना हमने एंटीस्टामिस् के बारे में जाना अगली क्लास में हमने एंटीबायोटिक की बात की एंटीसेप्टिक्स की बात की हमने डिसइनफेक्टेंट के बारे में जाना हमने नार्कोटिक्स ड्रग्स के बारे में सीखा हमने नॉन नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में सीखा तीसरी क्लास में जो आज की जो हमने क्लास पढ़ी उसमें हमने एंटी फर्टिलिटी ड्रग की सबसे पहले बात की फिर हमने बात की फूड एडिटिव्स की कि खाद्य पदार्थों में कौन कौन से ऐसे रसायन है जो मिलाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं किस लिए आवश्यक है हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात की हमने फूड प्रिजर्वेटिव की बात की उसको भी हमने समझा और सबसे अंत में हमने समझा क्लीजिंग एक्शन के बारे में सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में कि सोप क्या होते हैं सोप किस प्रकार से बनाए जाते हैं और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं सोप और डिटर्जेंट में हमने अंतर सीखा कि सोप केवल मृदु जल के साथ काम कर सकते हैं डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर नहीं कठोर और मृदु जल दोनों के साथ काम में आ सकते हैं ये हमने सीखा तो इस प्रकार से सोप कैसे काम करता है सोप किस प्रकार से बनता है साबुनीकरण की अभिक्रिया क्या है साबुन विभिन्न प्रकार के साबुन कौन कौन से होते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं डिटर्जेंट तीन प्रकार के होते हैं एनआंडिक डिटर्जेंट कैटैनिक डिटर्जेंट और अनैनिक डिटर्जेंट तो ये हमने सारा सारा इस वाली क्लास में सीखा तो उस पूरे चैप्टर में हमने दैनिक जीवन में काम में आने वाले रसायन और विशेष जिसमें हम औषध की हमने बात की हमने ड्रग्स की बात की हमने उसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव की बात की खाद्य पदार्थों में रसायन की बात की और सोपर डिटर्जेंट की बात की उसको हमने बहुत गहराई से सीखा है मैं वापस से वही बात कह रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी चीज़ों से इंटरेक्शन करते हैं आप एक बार गौर कीजिए आज से आप एक जब जाएं आसपास कहीं देखें तो हर जगह आपको केमिस्ट्री दिखाई देगी केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हैं। यहाँ हमने उसको बहुत सीमित मात्रा में पढ़ाए लेकिन अगर आप दैनिक जीवन में देखेंगे केमिस्ट्री के हमें बहुत सारे उपयोग अनुप्रयोग दिखाई देते हैं तो हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखा है अब मिलेंगे हम फिर और दूसरी क्लास में एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद